नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बीन टेक्निकल इंडियन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम हर बार की तरह इस बार भी जो है नई वैकेंसी लेके आए हैं। तो आज हम जो इस वैकेंसी के बारे में बात करेंगे दोस्तों, वो जो है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि SPMCIL के वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपको ये वीडियो जो है हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। सो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दोस्तों बात कर लेते हैं ये कंपनी करती क्या है। दोस्तों जितनी भी हमारी नोट वगैरह होती है उसका जो प्रिंटिंग कॉरपोरेशन है ये यहीं से जो है नोट छपता है। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है जहाँ पे बैंक नोट्स वगैरह यहाँ पे छपते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो है वैकेंसियाँ रखी है, अगर बात की जाए कौन कौन से कैंडिडेट फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों असिस्टेंट मैनेजर के लिए है वैकेंसियाँ रखी है, 16 नंबर ऑफ पोस्ट है यहाँ पे दोस्तों, 40,000 जो है यहाँ पे सैलरी रखी गई है। यहाँ पे बीटेक LLB और MBA के कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो एज लिमिट रखा गया है वो 30 साल रखा गया है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे जो है एग्जामिनेशन डेट और एग्जामिनेशन प्लेस भी रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो एग्जामिनेशन प्लेस की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद जो है इसका जॉब लोकेशन होगा, जहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर होगा इसका। और जॉब लोकेशन दोस्तों ऑल ओवर इंडिया हो सकता है। देन दोस्तों अगर इस फॉर्म की बात की जाए इंपॉर्टेंट डेट के बारे में, तो ये जो फॉर्म है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आप जो है अप्लाई ऑनलाइन ऑप्शन पे जाके इस फॉर्म को इजीली फिलअप कर सकते हैं। अगर आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप जो है इसका नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है, तो आप जो है वहाँ से इजीली जाके इस फॉर्म के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप जो है इस फॉर्म को देख सकते हैं। तो दोस्तों ये है इसका, मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है जो आपके सामने यहाँ पे शो कर रहा है। इसका एडवर्टीजमेंट नंबर दोस्तों 04/2020 है। यहाँ पे जो है दोस्तों ये एक इमनी रत्नम कंपनी है, तो यहाँ पे जो है असिस्टेंट मैनेजर के लिए वैकेंसी आई है। दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं अगर बात की जाए 7 जो पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर मटेरियल के लिए, R&D में जो है और HR में जो है और लीगल में जो है वैकेंसियाँ रखी है। तो यहाँ पे 7 पोस्ट जो है मटेरियल में, 4 पोस्ट जो R&D में और 3 पोस्ट जो है HR में और 2 पोस्ट जो है लीगल यानी कि LLB वाले कैंडिडेट जो यहाँ पे हमको फिलअप कर सकते हैं। देन दोस्तों यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे बीटेक वाले की बात करें दोस्तों, यहाँ पे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और पल्प इंजीनियरिंग के कैंडिडेट और इलेक्ट्रॉनिक कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देन दोस्तों यहाँ पे अगर बात की जाए कि अगर आपके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस है तो आपको जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप असिस्टेंट मैनेजर HR के लिए भरना चाहते हैं तो यहाँ पे BE/BTECH के मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, केमिकल, मेटलर्जी के कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट नहीं है इस पोस्ट में, आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे दिया गया है। देन दोस्तों असिस्टेंट मैनेजर में जो है आपका LLB रिक्वायरमेंट है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट क्या होगा। तो ये दोस्तों ये जो फॉर्म है आपका 19 अक्टूबर से जो है इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है खुल जाएगा, और यहाँ पे देख सकते हैं 11 नवंबर जो है इसकी लास्ट डेट रखी गई है। देन दोस्तों मैंने आपको एग्जामिनेशन डेट तो बता दिया, मतलब एग्जामिनेशन कहाँ कहाँ पे होंगे सेंटर मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो एग्जामिनेशन सेंटर है, उससे पहले थोड़ा सा हम ये बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कितना एप्लीकेशन फ़ी लिया जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों 200 रुपये जो है SC/ST कैंडिडेट के लिए, और जो SC/ST कैंडिडेट है, OBC कैंडिडेट हैं और EWS कैंडिडेट हैं और जनरल कैंडिडेट हैं, उनके लिए 600 रुपये का फॉर्म यहाँ पे रखा गया है। दोस्तों यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा 75% जो है ऑनलाइन टेस्ट के बेसिस पे और 25% जो है यहाँ पे इंटरव्यू के बेसिस पे जो है सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात की जाए क्या आपके जो ऑनलाइन पेपर होगा वो किस प्रकार का होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपके प्रोफेशनल नॉलेज से क्वेश्चन रहेंगे, देन जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज से, लॉजिकल रीजनिंग से, क्वांटिटी ऑफ टेस्ट से जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे 120 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स के होंगे, 2 घंटे का यहाँ पे टाइम मिलेगा। एग्जामिनेशन सेंटर मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया कि इसका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे होगा। तो एक बार फिर बता देता हूँ, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव और फरीदाबाद में जो है इसका एग्जामिनेशन सेंटर रखा गया है। दोस्तों ये थी SPMCOI यानी कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसकी वैकेंसी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ दोस्तों मैंने आपको इसका लिंक दे रखा है जहां से आप इस फॉर्म को इजीली फिलअप कर सकते हैं। आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट कीजिए, वहां पे जो है मैंने आपको वेबसाइट का लिंक दे रखा है जहां पे आप और डिटेल में जान सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत।